जब भी किसी कॉइल या मैग्नेट के दरमियान में रिलेटिव मोशन हो तो इस रिलेटिव मोशन की वजह से इसमें ईएमएफ पैदा हो जाता है जिसकी मिकदार के अनुसार रिलेटिव मोशन की स्पीड पर होता है। इस मजर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इसे फिरोडे ने 1831 में दरियाफ्त किया। इसने बयान किया कि जब भी किसी कॉइल या मैग्नेट में जब किसी मैग्नेट को कॉइल के नज़दीक लाया जाता है तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है जिसकी मिकदार के अनुसार रिलेटिव मोशन की जो कि रिलेटिव मोशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। इसे फिरोडे का कानून कहते हैं।